हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टू सी हेल्दी एंड टेस्टी फूड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ वी गो अवर वीडियो। ये हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ठंडे होने के बाद आप इसे हाथ से अलग कर दीजिए चम्मच से। अब इसे आप किसी भी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। अब ये देखिए बिल्कुल क्रंची हो गया जी। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं हेल्दी एंड टेस्टी तल मखाना। ये घुटनों के, पैर के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसके लिए हम पहले अपने फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमारे पैन अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। आप इसमें तेल डाल सकते हैं। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। हमारा घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये एक बाउल मैंने लिया है तल मखाना। हमें तल मखाने को अच्छे से फ्राई करके निकालना है। हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें। ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर दिया। हमारा पैन तो गर्म है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ किसी चीज से आप तोड़ लीजिएगा छोटे छोटे पीसेस में, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। हमने इसमें डाल दिया गुड़ और थोड़ा सा 2 घूंटी पानी डालेंगे। मेल्ट हो गया, बस इतना ही पानी डालना है। अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। ये हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग आप जरूर डालिए। 1 चुटकी हींग के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे, फिर हमारा फ्राई वाला दाल मखाना हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे, फुल आंच पे करेंगे। जब ये हमारी कोटिंग होने लगे, उसमें 1 टीस्पून सफेद तिल ऐड कर देना है, फिर इसके बाद हमें इसको चलाते रहना है। ये हमारा वो रेडी हो गया, ये ताल मखाना। अगर आपके घर में दादी, नानी, मम्मी कोई भी है, किसी के घुटने के, पैर में दर्द है, तो जरूर आप एक बार इसे ट्राई कराइए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ये हफ्ते में इसका असर जरूर दिखाएगा, हफ्ते 10 दिन में। आप एक बार जरूर ट्राई करिए। ये हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ठंडे होने के बाद आप इसे हाथ से अलग कर दीजिए चम्मच से। अब इसे आप किसी भी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। अब ये देखिए बिल्कुल क्रंची हो गया जी। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिए।